स्वागत है आपका साउल सी रॉयल कुकिंग में। आज हम लाए हैं आपके लिए वेट लॉस मेन्यू प्लान की सीरीज डे 10 की रेसिपी। तो चलिए हम डे 10 की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम ब्रेकफास्ट बनाएंगे। ब्रेकफास्ट में हम स्पिनच इडली बनाएंगे। सबसे पहले हम एक पैन में 1 टीस्पून जीरा, 2 से 3 गार्लिक क्लोव्स, फिर 4 से 5 पालक के पत्ते डालेंगे और 1.5 कप पानी और हल्का सा नमक डालकर मिला लेंगे। फिर इसे ढककर 5 मिनट के लिए रख देंगे। फिर इन्हें हम छान लेंगे और एक मिक्सचर जार में डाल देंगे। उसमें 1 स्मॉल बाउल दही ऐड करेंगे और इन्हें पीस लेंगे। अब हम इडली का बैटर बनाएंगे। इसके लिए हम सबसे पहले 1 बाउल राइस डालकर इन्हें भी पीस लेंगे। फिर इसे 1 बाउल में डाल लेंगे। अब 1/2 बाउल सूजी, स्पिनच प्यूरी ऐड करेंगे और 1/2 बाउल कर्ड डालकर इसे अच्छे से मिला लेंगे। एक टीस्पून अराउंड इनो ऐड करेंगे और दोबारा से अच्छे से मिला लेंगे और ढककर 10 मिनट के लिए रख देंगे। फिर हम इडली प्लेट में बैटर को कुछ इस तरीके से फैलाकर 10 मिनट के लिए पका लेंगे। स्पिनच इडली बनकर तैयार है। इसे हम टोमेटो चटनी के साथ सर्व करेंगे। मिड मॉर्निंग में हम आम पन्ना सर्व करेंगे। आम पन्ना बनाने के लिए सबसे पहले एक कुकर में 1 कप से ज़्यादा पानी डालेंगे और उसमें 3 से 4 कच्चे आम को डाल देंगे। फिर इसमें 1 से 2 सीटी लगने देंगे। अब हम इन सभी आम को एक एक करके निकाल लेंगे। फिर कुछ इस तरीके से हम इसका पल्प भी निकाल लेंगे। फिर एक मिक्सचर जार लेंगे और उसमें इस पल्प को डालेंगे। फिर 1 टीस्पून आमचूर पाउडर, 1/2 टीस्पून भुना हुआ जीरा पाउडर और स्वाद अनुसार काला नमक डालकर इसका पेस्ट बना लेंगे। फिर 1 ग्लास में 2 टेबलस्पून इस पेस्ट को डालेंगे और 2 से 3 आइस क्यूब्स और ज़रूरत अनुसार पानी डाल के इसे अच्छे से मिला लेंगे। आम पन्ना बनकर तैयार है। इसे ठंडा ठंडा सर्व करेंगे। लंच में हम सर्व करेंगे चना दाल चपाती सैलेड के साथ। चना दाल बनाने के लिए हम सबसे पहले एक कुकर को गर्म करेंगे। उसमें 1 बाउल चना दाल डालेंगे, फिर 1 कप पानी, 1 बाउल टमाटो और 1 टीस्पून ग्रीन चिली, स्वाद अनुसार नमक, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर ऐड करेंगे और अच्छे से मिला लेंगे। ढककर 3 से 4 सीटी लगने देंगे। चना दाल पक चुकी है। अब इसमें तड़का लगाने के लिए हम सबसे पहले एक पैन को गर्म करेंगे। उसमें 1 टीस्पून जीरा, 1/4 टीस्पून हींग डालकर भूनेंगे। फिर 2 सूखी लाल मिर्च, 1 टीस्पून गार्लिक क्लोव्स, 1/2 पाउल अनियन डालकर इन्हें भी अच्छे से भून लेंगे। फिर इसमें 1/2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर और 1 कप पानी डालकर अच्छे से मिला लेंगे और ढककर सारे मसालों को पकने देंगे। फिर हम पकी हुई चना दाल इसमें ऐड कर देंगे और थोड़ी देर पकने देंगे। अब हम दाल को चपाती और सैलेड के साथ सर्व करेंगे। मिड इवनिंग में हम नींबू पानी सर्व करेंगे। उसके लिए 1 ग्लास में 1 पिंच सॉल्ट, 2 टीस्पून लेमन जूस डाल के पानी ऐड करेंगे। हमारा लेमन वाटर बनकर तैयार है। डिनर में हम बीटरूट चिकपी सैलेड बनाएंगे।
सबसे पहले हम एक बड़े बाउल में एक बाउल बॉइल्ड चिकपी, एक बाउल बीटरूट, एक टीस्पून ग्रीन चिली, एक टीस्पून चाट मसाला, एक चौथाई टीस्पून ब्लैक पेपर और स्वाद अनुसार नमक डालेंगे, हाफ लेमन स्क्वीज करेंगे और धनिया पत्ते ऐड करके अच्छे से मिला लेंगे। फिर इसे हम डिनर में एक प्लेट में डालकर सर्व करेंगे। दोस्तों, डे 10 वेट लॉस सीरीज की रेसिपी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और डे 11 की रेसिपी जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सबसे पहले नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें और ऐसी ही और रेसिपीज के लिए साउल जीरो ऑयल कुकिंग में बने रहें। धन्यवाद।